हमास के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के हथियार रोकने की धमकी से इसराइल भड़क उठा है। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हथियार खत्म हुए तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल हार नहीं मानेगा और अकेले खड़ा रहेगा। दरअसल अमेरिका इसराइल के राफा में ऑपरेशन के खिलाफ है, इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को हथियारों की डिलीवरी रोक दी है। हालांकि बाइडेन की चेतावनी पर बेंजामिन नेतन्याहू ने करारा जवाब दिया है। इजरायली पीएम ने कहा, दुनिया के एकमात्र यहूदी देश इसराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आज यरूशलम से प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर इसराइल को अकेले खड़े होने के लिए मजबूर किया गया तो वह अकेला खड़ा होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं, क्योंकि दुनिया भर में अनगिनत सभ्य लोग हमारे सही मकसद का समर्थन करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं कि हम अपने नरसंहारक दुश्मनों को हरा कर रहेंगे। 80 साल पहले होलोकॉस्ट में जब यहूदी उनके सामने पूरी तरह असहाय थे जो हमारा विनाश चाहते थे, तब कोई भी देश हमारी सहायता के लिए आगे नहीं आया था। आज हम फिर से हमारे विनाश पर आमादा दुश्मनों का सामना कर रहे हैं। मैं दुनिया के नेताओं से कहता हूँ, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच का कोई भी दबाव, कोई भी फैसला इसराइल को अपनी रक्षा करने से नहीं रोक पाएगा। अगर हमें अकेले खड़ा होना पड़ा तो हम अकेले खड़े रहेंगे। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अपने नाखूनों से भी लड़ेंगे, लेकिन हमारे पास नाखूनों के अलावा भी बहुत कुछ है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसराइल को राफा में ऑपरेशन को लेकर चेतावनी दी थी। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि आयरन डोम और मिडिल ईस्ट से हाल ही में हुए हमलों के खिलाफ उनकी क्षमता के मामले में इसराइल सुरक्षित रहे। अमेरिकी चेतावनी के बीच एक तरफ इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दो टुक कहा है कि इसराइल दुनिया की किसी ताकत के सामने नहीं झुकेगा, तो दूसरी तरफ आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा, הפעילות הזאת תומכת את המודיעין שהיה בידינו. पहले से तय मिशंस के लिए और राफा में मिशन के लिए भी आर्मी के पास पर्याप्त हथियार हैं। हमारे पास वे सभी चीजें मौजूद हैं जिसकी हमें जरूरत है। अमेरिका में हुए हालिया घटनाक्रम को देखते हुए मैं ये बातें बता रहा हूं और ये बताना महत्वपूर्ण है। וגם למשימות ברפיח יש לנו את מה שאנחנו נזקקים לו. वहीं यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स यानी ओसीएचए के गाजा सब ऑफिस के हेड जॉर्जियोस पेट्रोपोलोस ने बताया कि राफा से अब तक करीब 1,10,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। उन्होंने कहा, गाजा में हम जो स्थिति देख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बार फिर से वह बहुत नाजुक स्तर पर पहुंच चुकी है। राफा में मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से यहां से इजरायली सरकार की तरफ लोगों को फिर से विस्थापित किया जा रहा है। अब तक 1,10,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया जा चुका है। इन्हें राफा बॉर्डर से उत्तर की तरफ ले जाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर लोगों को पहले से 5 से 6 बार विस्थापित किया जा चुका है। Most of these are people who have had to displace 5 or 6 times. बता दें कि 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। हमास के हमले के बाद इजराइल ने साफ कहा था कि वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमास का नामो निशान नहीं मिटा देता, और तब से गाजा में लगातार हमले किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस युद्ध में करीब 35,000 फिलिस्तीनी अब तक मारे गए और गाजा पट्टी तबाह हो गया है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।